Good afternoon, everyone. Time right now is 1:30 p.m. Today is 29th of June 2024. I'm at Gaza. आज का ये लास्ट दिन होने वाला है काजा में. एंड आज का प्लान ये है कि आज की मॉनेस्ट्री कवर करना है, विच इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. और उसके बाद आके शाम में थोड़ा सा बाइक करना, मेंटेनेंस करना है फिर से, और लगेज वगैरह पैक करना है. एंड देन कल मैं यहाँ से निकलूँगा चंद्रताल के लिए. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टॉप ऑफ दिस ट्रिप, चंद्रताल. उसके बाद डायरेक्टली मनाली. तो अभी के लिए चलते हैं यहाँ से. I had my breakfast as usual, bread omelette or chai, which is working really well for me, travel mein. So yeah, abhi ke liye nikalte hain and see you guys on the road. All right guys, abhi main nikal raha hu Khi Monastery ke liye from Gaza. Abhi meri baat ho rahi thi homestay ke owner se and unhone bataya ki road bahut hi acha hai and it shouldn't take more than 20 minutes according to him. तो फिर भी मैं हाफ एन आवर पकड़ के चल रहा हूँ. सो हाफ एन आवर टू रीच द डेस्टिनेशन एंड उसके बाद थोड़ा सा वापस टाइम स्पेंड करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे एंड होपफुली वी शुड बी बैक बाई 4 इफ पॉसिबल. अगर 4 o'clock तक वापस आता हूँ तो देन नथिंग लाइक इट. अगर बीच में अगर हो सके तो आई थिंक एक बार फ्यूल भी मैं टॉप अप कर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि हाफ टैंक अभी है बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. यहाँ पे बहुत ही फ्यूल के मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे. एंड अभी काजा के बाद फ्यूल पंप जो है वो डायरेक्टली मिलेगा मनाली में, विच इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स. एंड हाफ टैंक में ऑब्वियसली हिमालयन वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं. तो वन गुड थिंग इज फ्यूल भर लिया मैंने, ऑलमोस्ट हाफ अ टैंक 700 रुपये का, विच इज़ अ गुड थिंग. पता नहीं कल सुबह मिले या नहीं, शाम को मिले या नहीं. कल शाम में जब मैं आ रहा था फ्रॉम लांगजा हिकिम कॉमिक, तो यहाँ पे लंबी क्यू थी एंड देयर वाज अ कॉप हु वाज मैनेजिंग द क्यू, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे वो चाहते हैं कि जाम ना लगे, तो वैसा वाला सीन हो जाता है. तो इससे अच्छा है जब भी मौका मिले फ्यूल भर लो एंड बी सेफ. अभी 30 किलोमीटर्स में ओवरऑल कवर करूँगा तो क्या ही फ्यूल जाएगा. अगर देखते हैं, अगर हो सके तो जो भी 1-2 लीटर भरना पड़े, अगर टाइम मिलता आते वक्त वो भी भर लूँगा टू बी ऑन सेफ साइड. देखते हैं जैसा भी हो. काजा है अराउंड 12,000 फीट अबव सी लेवल एंड की मॉनेस्ट्री है 13,000 चेंज. तो हल्का सा जो चेक दिस आउट, सब भगा रहा है जैसे रोड ट्रैक पे भगा रहा है गधा. की मॉनेस्ट्री जो है ये 13,300 या 400 फीट अबव सी लेवल है, तो हल्का सा ऑल्टीट्यूड तो हम लोग गेन करेंगे यहाँ पे, बट नॉट लाइक यस्टरडे. कल जितना था उतना तो डेफिनेटली नहीं है. कल तो ऑलमोस्ट 15,000 चेंज पे चले गए थे, आज उतना नहीं होगा. की इज़ जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे. देखते देखते पहुंच गया, एक्चुअली ज्यादा डिस्टेंस नहीं है काजा से. एक्चुअली मैं कल सुबह भी इसको कवर कर सकता था, बट द पॉइंट इज कि कल जब यहां से निकलूंगा मैं, आई डोंट वांट टू स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन किसी विजिट्स के लिए. ब्रेक्स आर फाइन बट आइटनरी में बीच में कुछ और ऐड नहीं करना चाहता मैं, बिकॉज़ चंद्रताल पहुंचना ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, बिकॉज
मेरी बुकिंग नहीं है वहाँ पे. आई जस्ट स्पोक टू समवन दिस मॉर्निंग और उनके पास भी कैंप्स अवेलेबल नहीं है. अभी सोलो राइडर हूँ तो शुड बी दैट प्रॉब्लमेटिक टू गेट अ रूम, बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो द प्लान इज आज ही इसको फिनिश कर लेता हूँ एंड देन कल जो है एक ही डेस्टिनेशन रहेगा विच इज चंद्रताल. आई डोंट थिंक आई विल गो टू किबर ऑल्सो. मैं किबर भी शायद स्किप कर दूंगा. आई डोंट नो बीच में पता नहीं क्या सीन है. अगर बीच में होता है, बीच में पड़ता है जहाँ पे मतलब यू डोंट हैव टू टेक अ डिटोर और यू नो इफ इट्स ऑन द वे इटसेल्फ तो शायद मैं रुक जाऊँ फ्यू मिनट्स के लिए. बट स्पेसिफिकली डिटोर लेके मैं जाने वाला नहीं हूँ किबर. एंड सेम गोज विद चीचम एज वेल. आई थिंक चीचम भी ऑन द वे ही है, चीचम ब्रिज. तो वो तो कवर करूँगा ही बिकॉज जितना मैंने वीडियोज़ देखे हैं उन सारे वीडियोस में तो यही बताया गया है कि इट्स ऑन द वे. ये सॉलिड ढलान है भाई, कच्चा रास्ता. हल्का सा ही है बैड पैच. उसके बाद अच्छी रोड फिर से शुरू हो रही है. And off you go. Yes. And I think we've reached Key Monastery, Key Village. कितने टाइम बाद एक स्ट्रेट रोड मिला है भगाने के लिए. वाज गुड. एक्चुअली स्पीकिंग गोम्पा का जो लोकेशन है जहाँ पे ये सिचुएटेड है बहुत ही खूबसूरत है यार. बहुत बहुत ही खूबसूरत. वाओ सड़ा ब्यूटीफुल लोकेशन. चेक दैट आउट. आई थिंक वही है. The view from here is nice. Julie. Julie means hello, namaste, hi. The written in golden letters. It's looking shining like crazy. Uske upar sun rays pad rahe directly to golden light. Bahut dur se reflect kar raha hai. Nice. वैसे Key Monastery, Key Village जो है वो पहुंच तो जाते हैं बहुत जल्दी, but हल्का सा एक बार विलेज से जैसे आप विलेज पहुंचो तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉनेस्ट्री इमीडिएटली मिल जाता है. मॉनेस्ट्री के लिए और थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है तो उसके लिए फिर टाइम लगता है अराउंड 10 मिनट्स इजीली, 5 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड. तो ऑफिशियली अभी मॉनेस्ट्री के अंदर एंटर कर रहा हूँ मैं. स्टिल यार आई थिंक रोड्स अच्छे हैं तो पता नहीं चलता है कब आप निकले हो काजा से. अब कब पहुंच गए Key Monastery उतना पता नहीं चलता है क्योंकि रोड्स अच्छे हैं. एंड दैट्स द एंट्रेंस टू द गोम्पा. जाते हैं बाइक लगाते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, देन आई विल एक्सप्लोर द गोम्पा. Noryang restaurant right in front of the monastery. This is the entrance. And food acha hai yahan pe. I just had a banana shake and abhi chalte hain upar jaake explore karte hain Gompa. This is the entrance to the main Gompa. Thank you.
Alright guys, right behind me is Kegel Hub. Currently yahan pe kuch rituals chal rahe hain. I think I was lucky enough for the rituals and capture kar liya. I don't know. बहुत ही खूबसूरत होता है रिचुअल का अंदर जो डांस परफॉर्म करते हैं ये लोग इट्स ब्यूटीफुल बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है बाय द वे ऊपर में टेंपल भी है टेंपल का टेंपल के बाहर का जो है मैंने वीडियो बना लिया है अनफॉर्चुनेटली अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी या वीडियो शूट करना तो वहाँ का तो कुछ मिल नहीं पाया लेकिन बाहर से व्यूज के आसपास में वो ऐड कर दूँगा यहाँ पर बट ओवरऑल दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल अभी यहाँ पे आने के बाद ये समझ में आता है कि यू नो इतना पुराना जो गोंपा है विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तब उन लोगों ने कैसे डिसाइड किया होगा इस प्लेस को कि यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है मॉनेस्ट्री या फिर प्रेयर हॉल बनाना है सो वेरी 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 पीसफुल ऊपर में मेडिटेशन रूम है जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते जाके और इतनी शांति इतना सुकून मिलता है वहाँ पे आई जस्ट सैट देयर फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड कि क्यों इन लोगों ने उस टाइम पे सोचा होगा यहाँ पे ऐसा मॉनेस्ट्री बनाने का ये फील कुछ और ही है फील जो है ग्रेट एक्सपीरियंस है सीरियसली मतलब मुझे लग रहा था कि इतना ऊपर चढ़ के आना है और यहाँ से फिर यू नो पता नहीं इतना वर्थ होगा ओके बहुत दिस इज वेयर वी हैव जॉइंट प्रेयर व्हील Check out the view right behind me guys. I'm at Key Monastery right now. और यहाँ का जो व्यू है इट्स अनबिलीवेबल बहुत ही खूबसूरत है और इस मॉनेस्ट्री के बारे में हम लोग जितना पढ़ते हैं जितना यू नो सुनते हैं वो तो ठीक है बट कोई यहाँ पे जो बचपन से पला बड़ा है जो यहाँ पे हमेशा प्रेयर्स करता है उनकी ज़बानी से अगर हम लोग सुने तो इसका जो है वैल्यू बहुत बढ़ेगा एंड देन बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी जो ऑनलाइन देखने या पढ़ने में बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो मेरे साथ आज है तेंजिन नोर्बो जी और लकीली उनके पास वो अभी प्रेयर में थे तो फ्यू मिनट्स मैंने उनसे पूछ लिया था तो वी हैव तेंजिन जी विद मी सो लेट्स टॉक टू हिम अबाउट इट तेंजिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया हमें प्लीज़ की मॉनेस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें तो एक्चुअली की मॉनेस्ट्री जो है वो इसका इतिहास काफ़ी लंबा है और अभी हमारे इतिहासकार जो इतिहासकार हैं उनके हिसाब से अगर इस मॉनेस्ट्री को देखें या इसको पीछे जानने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये मॉनेस्ट्री एक्चुअली की मॉनेस्ट्री जो है ये नाम जो है ये काफ़ी पुराना है ये करीब 1000 साल पहले से एग्जिस्ट करता था एंड की मॉनेस्ट्री Current Key Monastery is 600 years old and it was founded during the mid of 14th and 15th century. Uh-huh. Before that the monastery was exist near the Rangrup village. Uh-huh. The village which is kind of side from the Spiti River. Yes. And yes. There's one place called Amachomofu. Uh-huh. One kind of cave there from after a few I think meters from that cave you kind of like we can find and currently like we can find some kind of structures there right of the right monastery. Ji, old structures are there Bilkul. And according to that kind of place Key Monastery is predicted around 1000 years old wow and not just Key Monastery along with Key Monastery there were on two or another monastery mm-hmm. also exist with Key Monastery there Mm-hmm. Okay. Monastery, yeah. Wow. So,
later due to kind of, I think due to some shortage of waters or some destruction, they changed the place from Rangrig to near Key. Okay. And again, due to some, I think, earthquake or some problems or destruction, the monastery was again shifted here. That's right. And this is the last time when Key Monastery was shifted. Understood. And the current monastery is, as I mentioned before, 600 years old. And the monastery was founded by Changsem Sherpa Zangpo, the scholar from Ladakh. And he was also the founder of the Tikse Monastery in Ladakh. Yes. And I think one temple called Tangmo, Tangmo Temple. He also kind of found that temple. So the temple is, I think, near Zanskar. So from the from Zanskar, Spiti is quite near. Yes. उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पीति भी स्पीति का भी दौरा किया जाए. जी जी जी. So जैसे जब उन्होंने स्पीति का दौरा किया, so while visiting Spiti, he found this place. And the place itself considered as a kind of the holy place. It is the kind of palace of Chakra Samura deity. And the place itself, very kind of the importance of that, this place is something I think immeasurable or something beyond, because the place itself is the center of valley. Understood. All the Spiti Valley. Jee. That is why it is called Kil. It is not Ki, it is Kil. Kil means center, the center of the valley. Achha. Yeah, so the monastery also called Mandala. It seems like Mandala. ओके ओके यहाँ पे ईयरली कुछ फेस्टिवल्स वगैरह कुछ होता है साल में एक बार थोड़ा उसके बारे में बताएंगे क्या फेस्टिवल है ये सो इन की मॉनेस्ट्री द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ फेस्टिवल इज काइंड ऑफ और काइंड ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल व्हिच एंगेज एवरी ईयर इन अ स्पेसिफिक डे अच्छा डे ऑलवेज चेंज कौन से मंथ में होता है एनी आईडिया अकॉर्डिंग टू द टिबेटन कैलेंडर इट्स फॉल्स ऑन सिक्स्थ मंथ अच्छा ओके So okay. yeah, and according to the universal kind of calendar, it falls on July. In the beginning of July or mid of July, or it can be in end of July. So the day always changes. Wonderful. Yeah. Last thing, मैं आपका ज़्यादा time नहीं लूँगा. अभी जो ritual चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो जो डांस मैंने अपने आई थिंक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था इतना ब्यूटीफुल रिचुअल चल रहा था उसके बारे में एक फ्यू वर्ड्स बता दीजिए प्लीज दिस इज लाइक ये मैंने अभी आपसे पहले बताया था जैसे हमारा जो मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फेस्टिवल होता है उसी का प्रिपरेशन चल रहा है सो और ये अभी जुलाई 4 में 4 जुलाई को ऑन 4 जुलाई देयर विल बी अ काइंड ऑफ बिग सेरेमनी और बिग फेस्टिवल देयर एंड देयर मंक्स विल परफॉर्म छम डांस And also, like there are some religious ceremony there, and actually the prayer itself, we believe that very powerful to remove the obstacles. Got it. Yeah, so, uske regarding ye puja chalti hai aur ye mostly main jo hai religious jo cham dance hai, deity jo dance hai, uske saath fir hamara ये एक होली वेपन इसकी इन द बिगिनिंग प्रिपेयर होता है जब आपने मिडिल ऑफ द टेंपल आपने देखा था उसको फिर फेंका जाता है थ्रो किया जाता है विद सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बाय हेड लामा थैंक यू सो मच दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू सो 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 मच ऑलराइट आई एम हेडिंग आउट राइट नाउ अच्छा था एक्सपीरियंस वाज रियली गुड स्पेशली टॉकिंग टू द मॉन्क It's a wonderful experience. बहुत ही नॉलेजेबल है उनको सब पता है यहाँ पे रिचुअल्स के बारे में इस गोंपा के बारे में इट्स अ गुड एक्सपीरियंस इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस तो ठीक है अभी चलते हैं लेट्स से गुड बाय टू दिस प्लेस और एक स्टॉप देना बाकी है बीच में विच इज द व्यू पॉइंट वहाँ से व्यू अच्छा मिलता है इस गोंपा का तो विल गो वहाँ पे थोड़ी सी है ना थोड़ा सा ट्रैक है वहाँ पर So let's go there. I'm now heading towards the viewpoint. तो बेसिकली ये मैंने वीडियोस में देखा था कि मॉनेस्ट्री से होके भी आप जा सकते हैं ऊपर एक 5 मिनट का ट्रैक है और वहाँ पे भी व्यू पॉइंट है और मुझे पता चला कि नीचे गांव की तरफ जो है स्टेयर्स है और वहाँ से भी व्यू पॉइंट है लेकिन उसका जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता ट्रैक मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ उसको उस पर चढ़ के जाना है एंड देन पता नहीं व्यू वहाँ से कैसा है बट यहाँ से इट्स प्रूवन तो और व्हाई नॉट
चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं एंड मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू पॉइंट कैसा दिखता है यहाँ से। दैट इज द व्यू पॉइंट। ये जो ट्रक है कुछ इस तरह से दिखता है। ऑनेस्टली 13,500 फीट पे थोड़ी सी बैंड तो बचती है। सीढ़ियों पे चढ़ने से ही सांस फूलने लगती है। फिर ये तो हल्का फुल्का ट्रक ही है तो सांस तो फूल रही है। इट्स ओके, अगर यहाँ से अच्छा अगर व्यू मिला देन आई डोंट हैव टू टेक दो स्टेयर्स और यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा काजा के लिए। दैट विल कंक्लूड द ट्रिप। All right, time right now is 4:48 p.m. and I'm heading back to Kaza. Bahut hi spiritual experience tha yaar ye. Really liked it. Ye complete monastery ka jo location hai aur yahan pe jo prayers offer kiye jate hain, inka jo lifestyle hai, very 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 interesting. All right guys, flat 20 minutes we reached Kaza. Honestly roads are acche yaar, when chhota sa halka sa ek bad patch ko chhod ke 20 minute flat agar aap laga rahe ho not pretty neat. Isse zyada aur kya chahiye pahadon mein. All right guys, time right now is 10:30 p.m. एंड आज ये लास्ट दिन है काजा में और कल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लान तो ये है कि अराउंड 5:30-6 o'clock निकल जाऊँगा यहाँ से टू चंद्रताल। नाउ बीच में किब्बर है, किब्बर भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मे बी अराउंड 20-21 kilometers, बट किब्बर आई हैव नो प्लान्स ऑफ स्टॉपिंग एट किब्बर। किब्बर मैं शायद इस बार स्किप करूँगा बिकॉज चंद्रताल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक तो मेरा बुकिंग नहीं है वहाँ पे और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है एंड टेंट्स लिमिटेड है। आई स्पोक टू अ फ्यू प्लेसेस वहाँ पे चंद्रताल में, तो उन्होंने बोला कि नहीं अगर सोलो ट्रैवलर हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो एंड चंद्रताल पहुँचो ताकि टेंट्स का कुछ जुगाड़ हो सके। तो दैट्स द प्लान फॉर टुमारो। लोसर से मैंने सुना कि रोड ठीक नहीं है, लोसर तक ठीक है उसके बाद रोड ठीक नहीं है, तो दैट्स गोना बी अनदर चैलेंज। तो बीच में चीचम ब्रिज आएगा, शायद वहाँ पर रुक जाऊँ फ्यू मिनट्स बिकॉज वहाँ पे जिस नज़ारे देखना ही है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है नहीं, तो शायद वहाँ पे रुकना है फ्यू मिनट्स एंड देन उसके बाद सीधा चंद्रताल। तो पैकिंग वगैरह सब हो गया है एंड बस लेट्स कॉल इट अ डे एंड स्टार्ट अ फ्रेश डे टुमारो। दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। ओह फक, आई एम हियर ऑलरेडी। दिस इज चीचम ब्रिज। कितना सुनसान एरिया है यार ये, ना बंदा ना बंदे के साथ। ये देख लो गाइस, काजा से चंद्रताल जाने का रास्ता ये देख लो, इट्स दिस डिफिकल्ट। जितना खराब रास्ता उतना ही खूबसूरत नज़ारा। शिट, बाइक लिटरली स्किड हो रही है ग्रैवल में, लूज ग्रैवल में भाई। यहाँ पे तो रोड ही नहीं है। ओ मैन, खतरनाक है ये तो। हेवन हेवन, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। कुंजम माता टेंपल का एंट्रेंस। वाटर क्रॉसिंग्स। कच्चा रास्ता है ही नहीं। वाटर क्रॉसिंग। पानी का बहाव बहुत तेज है। सबसे बड़ा ये
शिट, इसमें लपाट लगने वाली है बॉस। ओ माय फकिंग गॉड, फाइनली आई कैन सी सम टेंट्स ओवर हियर। पहुंच गया। Uber covered रास्ते